यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। पर्यावरण को किस तरह से बचाया जाए, प्रयासित रहे, सुरक्षित रहे, तो यह कैसे सुरक्षित, हर दिन प्रयास होना चाहिए कुछ न कुछ पौधे। समस्या जो है ये ग्लोबल है, ये कोई हम लोगों का ऐसा नहीं है कि हमारे ही कंट्री का है, और ये हर जगह इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया जा रहा है कि नहीं, पर्यावरण पर ध्यान देना चाहिए, एक अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए, और पर्पस यही है कि हर व्यक्ति इसके लिए अवेयर हो। सिर्फ गवर्नमेंट अवेयर हो जाएगी, कुछ कुछ कार्यक्रम हो जाएंगे, उससे हमारा कोई पर्पस सब नहीं होने जा रहा है। जब तक ये इस तरह की भावना हमारे अंदर नहीं हो कि आम तरह से हम लोग देखते हैं कि आप साधारण चीज़, कहीं हम लोग अगल बगल रहते हैं तो कूड़ा ही उठाते हैं तो दूसरे के घर के बगल के आगे रखाते हैं, तो ये फीलिंग है कि हमारा साफ रहे लेकिन इनका गंदा हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली उसको उसका इफेक्ट जो है सब पे पड़ता है, क्योंकि गंदा अगर पर्यावरण होगा तो इफेक्ट तो हर आदमी को करेगा, तो चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे नॉइज पॉल्यूशन हो, इस चीज़ को बहुत माइनोरली और आदमी को सोचना। आजकल मोबाइल से देख रहे हैं, इस पर भी कितना रिसर्च हो रहा है कि इसको किस तरह से हम लोग इसके वेव्स हैं वो भी एक तरह से पॉल्यूशन पैदा कर रहे हैं, उसके जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलते हैं, लेकिन हम लोग बहुत उसके बारे में अवेयर नहीं हैं। तो इस तरह से एक अवेयरनेस होना चाहिए, यही आदमी का जितना भी नॉलेज है या इनपुट है वो शेयर करे दूसरे के साथ, ताकि इसमें जो है भविष्य में एक जागरूकता, भाई इसको एकदम मिशन मोड पे लेके चलना होगा, ये नहीं कि एक प्रोग्राम कर लिया काम खत्म हो गया। जब तक ये मिशन नहीं बनेगा, एक अभियान नहीं बनेगा, तब तक ये संभव नहीं। आज हम लोग पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, विश्व पर्यावरण दिवस है, और इस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा जो ये जन जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो इससे हम आशा करते हैं कि लोगों के बीच एक संदेश जाएगा, यदि जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यक्रम कर रही है तो लोगों, अन्य लोग भी इस कार्यक्रम को करें, अन्य लोग भी वृक्षों का प्लांटेशन करें, वृक्ष लगाएं, आसपास जो है पूरा साफ़ सुथरा रखें, जगहों को साफ़ सुथरा रखें, कचरा इधर उधर नहीं फेंकें, जहां तक संभव हो पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएँ। ये बच्चों तक ये मैसेज जाना चाहिए, छोटे छोटे जो हमारे यहाँ 1-12 खास करके जो स्टूडेंट्स हैं उन तक ये मैसेज जाएगा।